हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड डे। आप लोग मस्त हैं, मगन हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेट्स लुक एट देम। पहले हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद स्पेशल केसेस ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद calculations involved in perfectly elastic collision. Okay, let's look at this instead. This is before collision and this is after collision. Cool. So kya karne wale hain hum? We will ultimately look at the momentums and energies before collision and the momentum and energy after collision. Un dono ko hum balance karenge. Kyun karenge? Because as in the previous video maine aap logon ko bataya hai कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो चलो दोनों इंस्टेंसेस को साइड बाय साइड देखते हैं और देखते हैं उसमें मोमेंटम और एनर्जी क्या है और उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद इट। नाउ हियर एज यू कैन सी, यहाँ पे दोनों इंस्टेंसेस हैं, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। सो लेट्स बिगिन विद द कैलकुलेशन। लेट्स से द मासेज आर m1 m2। कोलिजन के बाद मास चेंज नहीं होंगे तो इट विल स्टिल रिमेन m1 एंड m2। लेट्स से द वेलोसिटीज आर v1 v2, ठीक है, एंड इन दिस केस v1 डैश एंड v2 डैश। सो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट। सो मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं, p बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू p आफ्टर कोलिजन, है ना। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। सेम वे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। So half m1 v1 square plus half m2 v2 square is equals to half m1 v1 dash square plus half m2 v2 dash square, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिखी हैं, इसका सिग्निफिकेंस बस इतना ही है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इन केस ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना कि काइनेटिक एनर्जी जो मैंने बिफोर एंड आफ्टर सेम लिखी है, दैट इज ओनली वैलिड इन द केस ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दिस इज नॉट ट्रू फॉर इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कन्फ्यूजेज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। मोमेंटम परफेक्टली इलास्टिक में भी कंजर्व्ड होता है, इन इलास्टिक में भी कंजर्व्ड होता है और परफेक्टली इन इलास्टिक में भी कंजर्व्ड होता है। तो मोमेंटम को आप सीधा कंजर्व कर दो, दैट विल नॉट बी एन इश्यू। बट काइनेटिक एनर्जी में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ओनली इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है बिकॉज दिस केस ऑफ आवर्स इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो लेट्स टेक सेम वेरिएबल्स ऑन सेम साइड्स, m1 v1 माइनस m1 v1 डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2। m1 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, m1 v1 माइनस v1 डैश। सेम वे यहाँ पे m2 कॉमन ले लो, m2 v2 डैश माइनस v2। कुछ किया नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड आई होप यू गाइज आर फाइन विद इट। इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आती होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो हाफ इज गेटिंग कैंसल्ड बिकॉज इट इज एवरीवेयर ऑन द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड, सो कैंसिल कर देते हैं, नो इश्यूज। सेम वे यहाँ पे भी एक साइड ले लेते हैं, m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं किया।
सेम वे m1 को कॉमन ले लो आप, है ना, m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, m1 एक कॉमन ले लिया है, सेम वे यहाँ पे m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, है ना। कुछ किया नहीं है मैंने, वैसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं की हैं, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स लगाया है, एंड आई होप यू गाइस आर फाइन विद इट। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, कैसे करेंगे इसको फर्दर सॉल्व, सो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, कुछ याद आ रहा है, आई होप याद आ रहा है ना, बेसिक मैथमेटिक्स 9th और 10th में जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम वही चीज़ अगर हम वी वन स्क्वायर माइनस वी वन डैश स्क्वायर या वी टू डैश स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर में लगाएं तो कुछ चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं ना। हाँ, आई होप यू गेट द फीलिंग कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो सेम वे मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूँ, इफ आई राइट द सेम हियर, सो एम वन एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा वी वन माइनस वी वन डैश मल्टीप्लाइड विद वी वन प्लस वी वन डैश, है ना, कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से स्प्लिट कर दिया है, नथिंग मोर देन दैट। सो वी टू डैश माइनस वी टू मल्टीप्लाइड विद वी टू डैश प्लस वी टू। सो भाई यहाँ तक कितने लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं, आई होप कि मैक्सिमम लोगों को आ गई हैं, बट जिनको नहीं आई हैं वो वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से सुकून से इसको देखो तो शायद चीज़ें क्लिक हों। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन टू एंड दिस इक्वेशन आवर मोमेंटम इक्वेशन एज इक्वेशन वन, इन दोनों को हमने ये बोल दिया है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूँ, दैट इज टू डिवाइडेड बाई वन, सो टू डिवाइडेड बाई वन विल गिव अस समथिंग, लेट्स लुक एट इट, है ना। तो टू डिवाइडेड बाई वन अगर हम करेंगे तो वी विल गेट वी वन प्लस वी वन डैश इज इक्वल टू वी टू डैश प्लस वी टू। कितने लोगों को ये चीज़ चमक रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, डैश को मैंने कैसा गंदा सा लिख दिया है, तो डैश को मैं फिर से डैश सही में डैश लिख दिया है, ठीक है। सो वी वन डैश, ठीक है। तो आई होप एवरी वन इज फाइन विद इट। कुछ किया नहीं है मैंने, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया है, तो नेगेटिव वाले टर्म्स कॉमन थे तो दोनों कॉमन थे, मतलब दोनों इक्वेशंस में थे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, फिर अल्टीमेटली विल बी लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन। अब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही है, देखते हैं कितने लोगों को वो चीज़ सुनाई दे रही है जो ये बता रही है इक्वेशन, बट स्टिल लेट्स सी। नहीं भी दिखाई दे रही है तो कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे आपके थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगे तो यू विल सी एवरीथिंग दैट इज बीइंग डन इन एन इक्वेशन और दैट इज बीइंग कन्वेड बाय एन इक्वेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। अब इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वी वन माइनस वी टू इज इक्वल्स टू वी टू डैश माइनस वी वन डैश, अब ये बताओ कि वी वन माइनस वी टू इज इक्वल्स टू वी टू डैश माइनस वी वन डैश, ये कुछ कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कितने लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, दिख रही हैं, नहीं भी आ रही हैं तो मैं तो बता ही दूंगा। सो लेट्स सी कि वी वन माइनस वी टू क्या है। तो पहले तो वी वन क्या है वो देख लेते हैं। वी वन ग्रीन वाले बॉल की वेलोसिटी है, वी टू वाइट वाले की, बिफोर कोलिजन, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों बॉल्स जो हैं ये ऑफकोर्स है ना बिफोर कोलिजन की ही बात है। वी वन डैश इज वेलोसिटी ऑफ द ग्रीन बॉल आफ्टर कोलिजन, ठीक है, एंड वी टू डैश इज वेलोसिटी ऑफ द वाइट बॉल आफ्टर कोलिजन। अब मुझे ये बताओ कि वी वन वी टू में से कौन सा ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई होगी कि वी वन शुड बी ग्रेटर दैन वी टू फॉर कोलिजन टू हैपन, सो यहाँ पे वी वन इज ग्रेटर दैन वी टू और कोलिजन के बाद वी टू डैश इज ग्रेटर दैन वी वन, है ना। तो ये चीज़, ये ग्रीन बॉल जो है वो वी वन डैश से जा रही है, वाइट बॉल वी टू डैश से जा रही है, एंड वी टू इज मूविंग वी टू डैश और यू कैन से वाइट बॉल इज मूविंग एट अ हायर स्पीड। तो कह सकते हैं कि वी टू डैश माइनस वी वन डैश इज वेलोसिटी, पूरा लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन
ये चीज़ मैंने लिख दिया, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें ये चीज़ एटलीस्ट समझ में आ रही होगी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन का मतलब यही है कि किस स्पीड या वेलोसिटी से इन दोनों बॉल्स का, ग्रीन एंड वाइट बॉल का, आफ्टर कोलिजन डिस्टेंस बढ़ रहा है, सेपरेट हो रहे हैं ना। क्योंकि अगर आप किसी इंस्टेंस पे बात करो और उसके 10 इंस्टेंट बाद देखो तो जाहिर सी बात है उसका डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब दे बोथ आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, है ना। वो वाले सेपरेशन की बात नहीं हो रही है जो आप बॉलीवुड में देखते हो, उस सेपरेशन की बात नहीं हो रही है, बट यू गाइज मस्ट बी गेटिंग दैट डिस्टेंस ऑफ दीज टू बॉल्स विल इंक्रीज विद टाइम आफ्टर कोलिजन, है ना। क्योंकि व्हाइट बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है ग्रीन बॉल से, तो जाहिर सी बात है द डिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। सो अब मैंने v2-v1- को बोल दिया है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के मुझे ये बताओ कि v1-v2 क्या होगा। लेट्स सी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इफ़ यू गाइज गेस्ड इट राइट, इफ़ यू गाइज वर एबल टू इन्फर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एंड टेल मी व्हाट इज v1-v2। ये चीज़ें आप इमेजिन कर पा रहे हो या कि उनसे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है। आई होप यू गाइज हैव ऑलरेडी कमेंटेड ऑन द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो v1-v2 जो है वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी मैं बताऊंगा एक जगह सेपरेशन और एक जगह अप्रोच क्यों कर लिखा है सर आपने। अप्रोच बिफोर, अप्रोच इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि अगर आप देखो विद टाइम ग्रीन बॉल एंड वाइट बॉल का डिस्टेंस घटेगा ना, क्योंकि एक कोलिजन तभी हो रहा है ना, घटेगा नहीं तो कोलिजन नहीं होगा, बढ़ेगा तो कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस दोनों के बीच का या दूरी दोनों के बीच की घटेगी, है ना। अगेन बॉलीवुड में मत जाना, ठीक है। सो डिस्टेंस इज गेटिंग डिक्रीज, इसका मतलब यही है कि ग्रीन बॉल इज अप्रोचिंग द वाइट बॉल। अप्रोच और सेपरेशन मुझे बॉलीवुड बता दी थी, याद आ रहा है, ठीक है। सो v1-v2 इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, v2-v1- इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। सो कैन आई राइट द सेम इक्वेशन एज, इसको मैं अगर वर्ड्स में लिखूं, इक्वेशन तो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, एंड दिस इज अ केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका भी सिग्निफिकेंस है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दिस इज ट्रू ओनली फॉर द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और हमारा केस परफेक्टली इलास्टिक था, सो इसलिए हमें ये इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फॉर द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक हमने डिस्कस कर लिया है, बट अल्टीमेटली आवर मोटिव वॉज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द ग्रीन एंड द वाइट बॉल। हमारा मोटिव क्या था कि ये जो ग्रीन वाली बॉल है या जो वाइट वाली बॉल है, इन दोनों की वेलोसिटीज क्या होगी, गिवन दैट कि बिफोर कोलिजन दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज आपको दी हैं। इसका एक फॉर्मूला हमने डिराइव करना था, सो लेट्स सी हाउ वी कैन अचीव दैट बाय यूजिंग द इक्वेशंस वी हैव ऑलरेडी डिराइव। उन इक्वेशंस को जिसको हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है उसके बेसिस पे हम कैसे इनकी फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, तो आई विल राइट द इक्वेशंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिराइव। सो v1-v2, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, v2-v1- एक इक्वेशन हो गई, द सेकेंड वन बींग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन अगर देखें तो m1v1+m2v2 इज इक्वल्स टू m1v1+m2v2। ये हमेशा एकदम पास में क्यों आ जाते हैं, प्लानिंग मेरी सही नहीं है। सो आई जस्ट मेक अ सेपरेशन हियर ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये दोनों अलग इक्वेशंस, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड, अच्छा मोटिव क्या है मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, मोटिव इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ v1- and v2-, इन दोनों को फाइंड करना है, ठीक है। आप लोग भी अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ जाएगा। सो लेट मी जस्ट टेक सम मोमेंट्स टू लुक इन टू इट कि कैसे होंगी। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन विद
m1 and add it to the first equation. ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे v2 dash and v1 dash की values निकालनी हैं. तो ultimately let's multiply it. So m1 v1 minus v2. मैंने कुछ नहीं किया है इस equation को, second equation को m1 से multiply किया है. ठीक है, I hope you guys are getting it. So v1 minus v2 is equals to m1 here as well, v2 dash minus v1 dash. इसको further simplify कर देते हैं. सिंप्लीफाई मैं इस वाली इक्वेशन के नीचे कर रहा हूँ ताकि बाद में चीज़ें थोड़ा क्लियर दिखें. ठीक है, m1 v2 वी टू इज इक्वल्स टू एम वन वी टू डैश माइनस एम वन वी वन डैश. नाउ लेट्स सी दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं. तो अगर हम ऐड करें तो ये टर्म एंड ये टर्म, इन दोनों टर्म्स का एडिशन हो जाएगा तो वी विल गेट टू एम वन वी वन. ठीक है, सेम वे दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड बिकॉज ऐड कर रहे हैं. तो हमारे पास अब बचे चार और टर्म्स, एम टू वी टू माइनस एम वन. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू ना, एम टू वी टू माइनस एम वन वी टू. तो इसको आप मेंटली ऐड करो तो देखो बताओ क्या आएगा. तो ये हो जाएगा वी टू टाइम्स एम टू माइनस एम वन. आई होप इतनी बेसिक्स आपको आती हैं. सेम वे लेट्स टॉक अबाउट दीज टू नाउ. इन दोनों को देख लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2, क्योंकि v2 डैश इज कॉमन तो v2 डैश एज इट इज. और हम अल्टीमेटली हमारा एम क्या था, v2 डैश निकालना. सो v2 डैश विल बी इक्वल टू 2 m1 v1 प्लस m2 माइनस m1 v2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस. आई होप यू गाइस आर फाइन विद इट. कितने लोगों को ये चीज़ें चमकी, ये चीज़ें समझ में आई, मुझे ज़रूर बताओ. एक्चुअली आई टेक लाइव क्लासेस एज वेल, इसलिए मेरी आदत है ऐसे पूछने के लिए कि कितने लोगों को समझ में आया, मुझे कमेंट्स में बताओ या चैट में बताओ. बट स्टिल यू गाइस कैन रिप्लाई इन योर ओन टाइम फ्रेम. जब भी आप ये वीडियो देखो, इस वीडियो में इस सेगमेंट पे आओ, इस मोमेंट पे आओ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये चीज़ें आपको समझ में आई थी कि नहीं आई थी, या चमकी थी या नहीं चमकी थी. इस इक्वेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया है. अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आप भी कमेंट वमेंट करो, थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाओ मेरी वीडियो का. सो यू गाइज द चैलेंज फॉर यू इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी वन डैश. वी वन डैश क्या है? ऐसा ना हो कि आप लोग हमने इतनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं और आप ये भी भूल जाओ कि v1 क्या है, v2 क्या है. तो भैया v1 इज द वेलोसिटी, v1 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ द ग्रीन बॉल आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद इसकी जो भी वेलोसिटी है वो v1 डैश है. तो भाई v2 क्या है, v2 डैश क्या है? तो v2 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल आफ्टर कोलिजन, है ना. तो हमने इतने सारे कैलकुलेशंस कर लिए और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा कैलकुलेशन हो गई, पूरी चीज़ें हो गई, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कर क्या रहे हैं ना. तो वो मेरे ख्याल से ध्यान नहीं देते होंगे. इट्स लाइक पूरी राम कहानी ख़त्म हो गई और वो पूछ रहे हैं कि राम कौन थे या सीता कौन थे ना. ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है. सो यू गाइज मस्ट बी अवेयर कि वॉट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फाइंड एंड वंस वी गेट इट, सो वॉट इट कन्वेज, इसका क्या मतलब है और इससे हमें क्या चीज़ें, क्या इन्फॉर्मेशन पता चली हैं. तो v1 डैश एंड v2 डैश निकालना था इस इक्वेशन में. मैं रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे आदत है बार बार रिपीट करने की, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ. v2 डैश एंड v1 डैश निकालना था हमें. v2 डैश मैंने निकाल दिया है बाय मल्टीप्लाइंग द सेकंड इक्वेशन हियर. इस इक्वेशन को हमने m1 से मल्टीप्लाई किया है एंड फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दिया है. तो बहुत आसानी से v2 डैश निकल गया है. v1 डैश अब आपको, आपके लिए होमवर्क है, जिसको आप फाइंड आउट करोगे और कमेंट में बताओगे. एक्चुअली मैं हंस इसलिए रहा था कि आप अगर फाइंड आउट कर भी लेते हो तो इतना बड़ा फार्मूला कमेंट में लिखोगे कैसे. वो चीज़ मेरे जहन में आ गई थी, मेरे दिमाग में आ गई थी. तो मैं सोच रहा था यार मैं इनसे कह तो रहा हूँ कि कमेंट पे लिख देना, बट ये लिखेंगे कैसे इतना बड़ा सा 2m1v1 प्लस m2 माइनस m1v2. बट स्टिल यू गाइज कैन डू एनीथिंग.
तो आप लोग लिख के मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट, आई होप यू गाइस गॉट इट। मैं डायरेक्ट इसका V1 डैश का डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। V2 डैश तो हो गया है, तो V1 डैश को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। यू गाइज कैन सॉल्व इट, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी राइट इट। मैंने V1 डैश का एक्सप्रेशन लिख दिया है M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 V1 प्लस ट्वाइस ऑफ M2 बाई M1 प्लस M2 V2। आई होप यू गाइज आर फाइन विद बोथ द इक्वेशंस। ओके, सो यहाँ पे V1 V2 क्या है? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, नहीं होना चाहिए। तो V1 भैया इसकी वेलोसिटी है, V2 भैया इसकी वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन। ओके, सो दीज टू आर द सेम बॉल्स बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, एंड दीज टू आर द सेम बॉल्स, वही हैं, डिफरेंट टाइम इंस्टेंसेस पे बात हो रही है। आई होप यू गाइस आर फाइन विद दैट। सो दिस इज आफ्टर कोलिजन। ओके ओके, ठीक है। सो दिस इज V1 डैश एंड दिस इज V2 डैश, मतलब दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन। ठीक है, आई होप यू गाइस आर फाइन विद इट। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके लेट्स सी सम स्पेशल केसेस ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि वी विल सी सम स्पेशल केसेस ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स, है ना। मैसिव ऑब्जेक्ट से बस इतना ही मतलब है कि एक बॉल का मास दूसरे बॉल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर आप देखो, ये बॉल मैंने, वाइट वाली बॉल बहुत बड़ी बनाई है एंड ग्रीन वाली बॉल को मैंने बहुत छोटा शो किया है। बट ये भी मैसिव नहीं है, लेकिन सिंस एनिमेशन बनाते वक्त आई कैन नॉट मेक इट इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकता, तो स्क्रीन ही ढक जाएगी, फिर आप क्या देखोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए एक को छोटा एक बड़ा कर दिया है। बट यू गाइज हैव टू इमेजिन दैट दिस वाइट बॉल इज हेल लॉट ऑफ बिगर दैन द ग्रीन बॉल। वाइट बॉल बहुत ज़्यादा बड़ी है। बहुत ज़्यादा बड़ी कितनी ज़्यादा सर? बहुत ज़्यादा बड़ी का क्या मतलब होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्या होता है। तो मैं चाह नहीं रहा था, बट स्टिल आई जस्ट लेट यू नो कि व्हेन इन क्वेश्चंस इट इज़ रिटन कि इट इज़ मच बिगर दैन द अदर वन, तो मच बिगर का क्या, कैसे उसको आप इन्फर करें, कैसे उसको समझें? तो लेट मी जस्ट टेल यू बाई गिविंग सम एग्जाम्पल्स। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 1 मिलीमीटर, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस, अब यहाँ पे भी मैं बहुत बड़ा नहीं बना सकता, बट स्टिल दिस इज लेट्स से 1 किलोमीटर। तो वी कैन से दैट वी कैन वेरी इजिली से, लेट्स कॉल दिस एज एक्स डिस्टेंस एंड दिस एज वाई डिस्टेंस। वी कैन वेरी इजिली से कि वाई इज मच मच लार्जर देन एक्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1000 किलोमीटर, है ना, एंड लेट्स कॉल दिस एज जी। ओके, सो जी इज मच मच लार्जर देन वाई अगेन। सो भाई ये क्या हो गया? तो आपको ये चीज़ एक समझ में आ रही होगी कि एक रिलेटिव टर्म है। मच मच लार्जर जब भी यूज़ करते हैं या मैसिव यूज़ कर रहे हैं या कि मास इज ह्यूज, तो इसका मतलब हमारा यही होता है कि इन कंपैरिजन टू ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन द सिनेरियो और द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बाकी जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं उनके कंपैरिजन में इस वाली बॉल का मास बहुत ज़्यादा है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम अश्वत्थामा हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा है, बस उनसे ज़्यादा कुछ नहीं, उनसे ज़्यादा भी चीज़ें हैं, उनसे बड़ी भी चीज़ें हैं, उनसे मैसिव भी चीज़ें हैं, बट इन कंपैरिजन टू वट एवर वी आर टॉकिंग इन द क्वेश्चन, इसका मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसा इस केस में हमने देखा x was 1 मिलीमीटर, y was 1 किलोमीटर, सो y इज मैसिव इन रेस्पेक्ट विद x, बट z इज 1000 किलोमीटर्स, सो z इज मैसिव इन रेस्पेक्ट टू y, ना। तो यहाँ पे रिलेटिव चीज़ें चल रही होती हैं। लेट्स से हमारे बॉडी का वॉल्यूम, आई डोंट नो वॉट इट इज, सो ह्यूमन बॉडी है ना, वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मच मच लेसर, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ सन सूरज है ना, इज मच मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी, बट वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मच मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लेट्स से सेल। इससे छोटा मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने सेल लिख दिया है। सो आप यहाँ पे चीज़ें देखो, समझो कि ये चीज़ मैसिव, मच मच ग्रेटर, ये सब चीज़ें रिलेटिव हैं। सेम वे यहाँ पे एक बॉल जो है उसका मास जो है, लेट्स कॉल दिस एज M1 एंड दिस एज M2। मैसिव ऑब्जेक्ट का ये फर्स्ट केस है,
तो यहाँ पे इसका मास जो है मच मच ग्रेटर देन M2 है, अगर है मान लो M2 है तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ दीज टू, ये लेट्स कॉल दिस एज वी वन, वही सेम वेरिएबल्स लेंगे जो अभी तक हम लेते आए हैं, वी वन और वी टू ना, दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑफ दीज बॉल्स आफ्टर कोलिजन, सो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दीज टू आफ्टर कोलिजन, कुछ नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू यूज और पुट दिस इंफॉर्मेशन इन आवर ऑलरेडी डिराइव्ड इक्वेशन, ये जो भी इक्वेशन है ये दिस वन एम वन इज मच मच ग्रेटर देन एम टू, इसको हमने इन दोनों इक्वेशंस में रखना है, ठीक है, लेट्स डू इट, रख के देख लेते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्लीन द बोर्ड। तो इस कंडीशन की वजह से क्या क्या टर्म्स में चेंजेस होंगे, लाइक इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म एंड इस टर्म, एंड आई सी बोथ ऑफ देम आर सेम, सो लेट्स से लेट्स फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम वन माइनस एम टू बाई एम वन प्लस एम टू, बहुत मैं वन बाई वन करूँगा, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये चीज़ें हैं तो बड़ी सिंपल बट यू गाइज आर नॉट वेरी यूज टू, क्योंकि बार बार नहीं आती हैं, कभी कभार आ जाती हैं, ठीक है। सो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं एम वन से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एम टू बाई एम वन, या एम वन कॉमन लेके काट दिया ऐसा समझो, वन प्लस एम टू बाई एम। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग मैथ्स लगने वाली है, बहुत सिंपल बट बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था इन चीज़ों में क्योंकि आई यूज टू गेट देम, आई यूज टू फील देम, ओके। नाउ लेट्स लुक एट दीज टर्म्स एम टू बाई एम वन एंड एम टू बाई एम वन, बोथ आर सेम। सो यहाँ पे अगर आपने लिख दिया है कि एम वन इज मच मच लार्जर देन एम टू, एम टू इज वेरी स्मॉल एंड एम वन अल्टीमेटली दिस इज एम टू बाई एम वन, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप यू गाइज गेट इट, ये बहुत स्मॉल है एंड दिस इज वेरी वेरी लार्ज, मैसिव है ना, वेरी लार्ज। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दीज टू, बहुत छोटे से नंबर को बहुत बड़े से नंबर से डिवाइड कर दोगे तो रेशियो क्या है, जीरो आएगा, राइट, जीरो। सो वी कैन राइट जीरो फॉर दिस टर्म एंड जीरो फॉर दिस टर्म, और अगर हम जीरो लिख दें तो एम वन माइनस एम टू बाई एम वन प्लस एम टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी वन, ठीक है। सेम वे, आई होप यू गाइज गॉट इट, सेम वे लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू एम टू बाई एम वन प्लस एम टू ना, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स अगेन टेक एम वन कॉमन और उसको फिर रेशियो को वैल्यू रखते हैं, सो दिस विल बिकम टू एम टू बाई एम वन बाई वन प्लस एम टू बाई एम वन। अब यहाँ पे देखो सिंपल ही है बट स्टिल, ये जीरो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है एम टू बाई एम वन, ये जीरो बाई वन, सो दैट इज टू इंटू जीरो बाई वन प्लस जीरो, दैट विल गिव अस जीरो ओनली, ठीक है। सो दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल बी जीरो, दिस एंटायर एक्सप्रेशन विल बी वन, है ना, आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट, ज़्यादा टफ तो नहीं हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म, ये जो है टू एम वन दिस वन, टू एम वन वी वन बाई एम वन प्लस एम टू में वी वन हटा दो जो टर्म बचेगा, सो टू एम वन बाई एम वन प्लस एम टू, अगर इसमें से, मैंने बोर्ड को बहुत कंसाइजली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फिर से लिखना पड़ जाएगा, ठीक है, सो आई होप यू गाइज डोंट माइंड, ओके। सो एम वन फिर से कॉमन ले लो तो इट विल बी टू बाई वन प्लस एम टू बाई एम वन, एम टू बाई एम वन हमें पता है दैट इज जीरो, सो एम टू बाई एम वन को मैंने लिख दिया है जीरो एंड वी आर लेफ्ट विद टू ओनली, तो और यू कैन से टू एम वन बाई इतना इतना इज इक्वल टू टू, टू भी नहीं लेते तो इट वुड हैव बिकम वन, लेकिन टू ले लिया तो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। And now the last term. So last term हमारा है ये blue color आज select हो गया है, तो ये देखते हैं, तो अगर इस equation को और you can say इस term को मैं m1 से divide करूँ तो I'll get 1 minus m2 by 1 plus okay m2 by m1 m2 by m1, so it will again give you the value of 1, है ना,
ना. सो आई राइट द कंक्लूजन. ओके, बिफोर राइटिंग द कंक्लूजन, क्योंकि इस बोर्ड में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आई जस्ट रिपीट इट, आई जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स. सो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ये दोनों इक्वेशंस लिखनी है जो कि हमने पिछले डेरिवेशन में मिली थी. इन दोनों इक्वेशंस में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, दैट m1 इज ग्रेटर देन m2 और m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2. m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2 का यही मतलब है कि m2 by m1 इज गोइंग टू बी जीरो. सो आपको m1 पूरी इक्वेशन से कॉमन लेना है और जहाँ पे m2 by m1 आपको मिले, जहाँ पे भी मिले उसको जीरो लिख देना है, जीरो लिख देना है. तो आपको ये इक्वेशंस बहुत सिंपल टर्म्स में दिख जाएंगी जो कि मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लिखता हूँ. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी जस्ट गॉट, हमारा कंक्लूजन यही होगा या हमारी फाइनल इक्वेशंस यही होंगी कि वी वन डैश इज नियरली इक्वल टू वी वन एंड वी टू डैश इज इक्वल टू, और यू कैन से नियरली इक्वल टू, ये नियरली इक्वल अच्छा है ये सब भी बताना होगा, ठीक है, नियरली इक्वल टू टू वी वन माइनस वी टू. तो आप कुछ बच्चे इसमें ये कन्फ्यूज हो सकते हैं, सर अभी तक इक्वल टू देखा था, इक्वल टू से पहचान हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, बट ये टेढ़ा वाला क्या है. सो दिस इज नियरली इक्वल टू, है ना, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू बट नियरली इक्वल टू, है ना, ये जो थोड़ा सा आई थिंक सिमिलैरिटी का साइन या कॉन्ग्रुएंस का साइन भी ऐसे ही होता है, बट स्टिल यहाँ पे नियरली इक्वल टू. तो अल्टीमेटली वी वन डैश वॉज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द वाइट बॉल वी वन डैश, एंड वी टू डैश वॉज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ग्रीन बॉल, है ना, मतलब किस वेलोसिटी से ये आफ्टर कोलिजन जाएंगे. एज यू मस्ट हैव ऑलरेडी रियलाइज कि दिस वी वन डैश का वी वन के इक्वल होने का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट्स विल नॉट चेंज, or you can say massive object which is in our case the white ball, iske velocity nahi change hogi, or you can say unchanged velocity, hai na, unchanged velocity, iski velocity change hi nahi hogi kyunki wo bahut massive hai na, massive. ab hamare hum chal rahe hain raste pe aur hamare samne let's say koi choti si ball aa jaye plastic ki jo mere khayal se 5-7 saal ke bachche khelte hain और वो हमारे पैर से टकरा जाए तो क्या हमारी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, अनलेस आपने उसे देख के आप रुक गए हो. नहीं, वो केस कंसिडर नहीं करना है, हमें कंसिडर करना है कि हमने नहीं पता था और वो टकरा गई, तो जाहिर सी बात है हमारी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दो दिस एग्जांपल इज़ लेम बट यू गाइस कैन रिलेट टू इट. तो सेम वे यहाँ पे एक मैसिव ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो एक दूसरे बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है जो कि खुद मूव कर रहा है, तो मैसिव ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे कुछ भी फर्क नहीं आने वाला है. एंड दिस वी टू डैश इज द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर वन. इसकी तो दुनिया इधर से उधर हो गई है, देखो बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं ना, टू वी वन माइनस वी टू, तो इसकी वेलोसिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं. तो दैट्स इट. नाउ अगर मैं कह दूँ कि ग्रीन बॉल, और यू कैन से द स्मॉलर बॉल या स्मॉलर ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन, है ना, बिफोर कोलिजन, अगर रेस्ट पे था का मतलब वी टू इज जीरो, तो क्या वेलोसिटी होगी. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है. तो वी टू डैश विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी वन. ये बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट है. आई होप यू गाइज आर एबल टू गेट इट, कि अगर ग्रीन वाला बॉल या स्मॉलर बॉल वॉज एट रेस्ट, मीन्स अब मैंने भाई बॉल का और अपना एग्जांपल दिया था कि मैं चल रहा हूँ और एक छोटी सी बॉल आकर प्लास्टिक की जो 5-7 साल के बच्चे खेलते हैं वो टकरा जाए तो मेरी वेलोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा ना. अब उसी एग्जांपल में बस ऐसा समझो कि रोड पे पड़ी हुई है वो बॉल, है ना, वो रोड पे पड़ी हुई है और मेरे पैर से टकरा गई, तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी. तो या दैट इज़ इट, यहाँ पे हमने बस ये कंसिडर करना है कि दिस वॉज इनिशियली एट रेस्ट और एक मैसिव ऑब्जेक्ट आया जो कि कुछ वेलोसिटी वी वन से था, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी. तो इसकी वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से मैसिव ऑब्जेक्ट आ रहा था उसके ट्वाइस, ठीक है. लेट्स से दिस वाज मूविंग विद 2 meter per second एंड दिस वाज एट रेस्ट 0 meter per second. सो कोलिजन के बाद ये भैया तो 2 meter per second से ही मूव करते रहेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज.
बट ये भाई साहब 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। सो लेट्स सी द एनिमेशन नाउ। एज यू गाइस कैन सी कि ग्रीन बॉल इज एट रेस्ट, ग्रीन बॉल रेस्ट पे है, यहाँ पे वो उससे टकराई है और टकराते ही देखो टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ द ग्रीन बॉल इज गेटिंग पम्प्ड अप और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ द ग्रीन बॉल इज गेटिंग ट्वाइस एज द वेलोसिटी ऑफ द वाइट बॉल। लेकिन वाइट बॉल की वेलोसिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो वही हो गया कि हाथी चींटी वाली बात हो गई कि हाथी के सामने चींटी आ गई तो हाथी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप यू गाइस आर फाइन विद द फर्स्ट केस ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट। मैसिव ऑब्जेक्ट जब पहला मास और यू कैन से M1 इज मैसिव इन रिस्पेक्ट टू M2। नाउ लेट्स जंप इनटू द केस ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स व्हेन द सेकंड मास इज मैसिव एज कंपेयर टू द फर्स्ट मास। मतलब सर इतना सारी इंग्लिश बोल देते हो एक साथ कैसे समझ में आएगा, तो मतलब यही है कि M2 इज मच मच लार्जर देन M1। लेट्स जंप इनटू दैट। नाउ यू गाइस कैन सी हियर, यहां पे M2 बहुत बड़ा है, M1 बहुत छोटा है और हम इनकी वेलोसिटीज देखने वाले हैं कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद। सो वेलोसिटी देखने के लिए हमें किन किन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, सेम वही इक्वेशंस जो हमने पिछले केस में देखी हैं। ठीक है, वी विल सी द सेम इक्वेशंस हियर एज वेल। सो इन दिस केस इसका मास M2 है, दूसरे वाले का हम M2 ही लेते हैं बाय कन्वेंशन और इसका M1 है। सो दिस इज द केस वेयर M2 इज मच मच लार्जर देन। ठीक है, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, यू गाइस कैन डू दैट एंड लेट मी नो द फाइनल रिजल्ट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं इसको डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख देता हूं बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू गाइस मस्ट हैव गॉट द बेसिक आइडिया कि चल क्या रहा है और कैसे करना है। और हाँ, मैं इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यू गाइस नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट बट आजकल के बच्चे किड्स नाउ डेज डिपेंड टू मच ऑन अदर्स लाइक टीचर्स लाइक स्कूल लाइक ऑनलाइन कंटेंट, ये इन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से दे आर नॉट पुटिंग इन देयर एफर्ट्स। उनका एफर्ट बस इतना ही है कि लैपटॉप या टैबलेट खोल के लेक्चर्स देख लिए, बट उनका एफर्ट ये भी होना चाहिए कि वो एक कॉपी उठाएं, एक कलम उठाएं, एक पेन उठाएं और चीज़ों को खुद से ट्राई करके देखें। तो भाई ठीक है, वॉट एवर यू आर यूज टू कि खाली लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, टैबलेट खोला और यूट्यूब पे या कहीं भी लेक्चर देख लिया, वो तो आप करते ही हो, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू गाइज डू थिंग्स फ्यू थिंग्स ऑन योर ओन। इसलिए आप लोग इस केस का कंक्लूजन मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताओ और यू कैन ईमेल मी, आई विल गिव माय ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से लेके आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। आई एम फ्री एट नाइट सो मैं आई विल रिप्लाई टू दैट। ईमेल इसलिए क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में इमेज नहीं डाल सकते हो और कमेंट सेक्शन में पूरा लिखना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, तो कुछ नहीं, आप अपनी कॉपी में करो, उसका फोटो खींचो और मुझे ईमेल कर दो कि सर ये आ गया। ठीक है, सो मैं इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ। द कंक्लूजन इज B1 dash means पहले ऑब्जेक्ट की velocity after collision is minus V1 plus 2V2, ठीक है, and V2 dash is V2, यहाँ पर भी V2 नहीं change होने वाला है। So conclusion is quite similar to the one we just discussed। तो देखो यहाँ पर this is the velocity of the smaller mass, ठीक है, so this is the velocity of the smaller mass and this is the velocity of the larger mass or you can say massive object, ठीक है। so इसका भी एक special case ले लेते हैं, special case के अंदर special case, so if M2 is at rest before collision, अगर ये collision से पहले rest पे था, तो कोलिजन से पहले रेस्ट में था, इसका इस इक्वेशन में क्या चेंज होगा, इस इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, इट विल बी लाइक V2 इज जीरो, है ना, V2 जीरो होगा तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो V2 डैश इज ऑल्सो जीरो, मीन्स आफ्टर कोलिजन भी वो रेस्ट पे रहेगा, लेकिन इसकी दुनिया बहुत कुछ बदल जाएगी। यहाँ देखो V1 डैश इज इक्वल्स टू माइनस V1,
ये क्या चीज है, ये क्या नया लिख दिया, वी वन डैश इज माइनस वी वन, वी वन डैश इज माइनस वी वन का मतलब बस इतना ही है कि इट विल बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी। इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि आप लोग क्रिकेट खेलते होगे, क्रिकेट फुटबॉल और एनीथिंग विच हैज टू डू विद सम बॉल्स, ओके। सो आप लोग क्रिकेट खेलते होगे और आपने क्रिकेट, मैं करता था कि घर में ले आए कैनवस की बॉल और वो दीवार पे मारा करते थे, कैच कैच खेलते थे, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो कैच कैच खेलते होगे या यू कैन से दीवार पे मारा और दीवार से वो वापस आ जाती है आपके हाथ में, तो दिस इज सेम, दिस इज एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे आपकी वॉल जो है, जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, वो वॉल इज द मैसिव ऑब्जेक्ट जो कि रुकी हुई है एट रेस्ट विद रेफरेंस टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, है ना, इट इज एट रेस्ट। तो M1 क्या है, दैट इज आवर कैनवस वॉल, कैनवस वॉल बनाने की कोशिश करी थी, ओके, कैनवस वॉल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेट मी सी इफ आई हैव द विजुअलाइजेशन स्टिल इंटैक्ट, आई थिंक दिस इज इट, है ना, कैनवस वॉल ऐसी दिखती है। तो कैनवस वॉल इन आवर केस इज द ऑब्जेक्ट विद द लेसर मास, तो ये दीवार पे गई, ये दीवार से वैसे ही वापस आ गई ना विद द सेम वेलोसिटी, और यू कैन से स्पीड, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा, बट अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर कर दें तो इट विल कम बैक विद द सेम स्पीड, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, सो आई होप यू गाइज आर फाइन विद द स्पेशल केसेज ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स। लेट्स नाउ जम्प इन टू परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन देखते हैं, ठीक है। Before that, I'll just conclude things. कि अभी तक हमने जितने भी collision discuss किए हैं, all of them were perfectly elastic collision. Perfectly elastic collision थे। पहले हमने in the previous video we discussed the basics of perfectly elastic collision, जिसमें हमने देखा था two block एक spring system को, है ना? उसको उसकी help से हमने collision को समझने की कोशिश की थी पिछले video में। अगर आपने नहीं देखी है तो ये रहा card, आप यहाँ से देख लो। नेक्स्ट हमने दो बॉल्स का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखा। इन टुडेज वीडियो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेशंस इन्वॉल्व देखा, फिर उसके बाद स्पेशल केसेस ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स देखा जो कि अभी आपके स्क्रीन के सामने है। तो दैट वाज एक्चुअली ऑल ऑफ देम वर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। नाउ लेट्स जंप इनटू परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कैसे होता है, लेट्स सी। एज यू कैन सी इन द एनिमेशन हियर, perfectly inelastic collision is the case when both the balls, both the objects, both the bodies after collision they stick together, na? They stick together. Why they stick together? Kyunki inelastic ka matlab yahi hota hai ki balls when they are hit by an impact they do not regain their shapes. Unke shapes regain nahi hote hain. Let's say I hope you guys must have seen clay balls, or you can say you must have played with clay balls, right? So एक मिट्टी के, मैं करता था बचपन में, एक मिट्टी की बॉल बनाई और उसको दीवार पे मार दिया, उसके बाद भले ही फ्लाइंग चप्पल बट स्टिल मार दिया तो वो दीवार पे चिपक जाती है, राइट? या दैट्स एग्जैक्टली वॉट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इज। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडीज आर दोज which do not regain their shape when the deforming force is removed. Deforming force remove होने के बाद भी उनके shapes regain नहीं होते हैं, ठीक है। As you can see here, दोनों balls टकराई हैं आपस में, उनका maximum compression हुआ है, maximum compression के बाद perfectly elastic body होती तो वो अपना shape regain कर लेती और दोनों अलग अलग velocity से move करने लगते हैं, but since this one is perfectly inelastic, तो यहाँ पे शेप वेप रिगेन नहीं होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद जो भी दोनों की वेलोसिटीज होंगी उसी वेलोसिटी से दोनों मूव कर रहे हैं, एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर मूविंग हियर, यू गाइज आर नॉट ब्लाइंड, राइट? यहाँ पे देखो, दे बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। सो इसमें कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन, सेम वे मोमेंटम इज कंजर्व। अब यहाँ पे सर आपने मोमेंटम क्यों कंजर्व कराया है, तो मैंने चीख चीख के 50 बार बताया भी होगा कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड एवरी इन एवरी केस ऑफ कोलिजन, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस एज एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, बहुत शॉर्ट में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि नाउ यू गाइज मस्ट बी यूज्ड टू इट, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, राइट? तो
M1V plus M2V, ठीक है। इसको अगर ये बच्चों वाली वो हो गई, क्या कहते हैं, बेसिक मैथ्स की, V को कॉमन ले लिया M2, अब वेलोसिटी निकालनी है तो हो गया। सो वेलोसिटी विल बी M1V1 plus M2V2 by M1 plus। देखो ये सबसे आसान, कहने को तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, यहाँ कुछ टफ होगा, इसका सबसे सिंपल डेरिवेशन है, यू गाइस कैन सी। सो वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ब्लॉक्स, दैट इज बोथ द ब्लॉक्स व्हेन दे स्टिक टुगेदर, जो आप यहाँ देखो दोनों एक साथ जा रहे हैं तो किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, अगर ये आपको कोई पूछ दे तो यू विल जस्ट आस्क हिम कि इनिशियल वेलोसिटीज क्या थी दोनों की, वो बताएगा आपको V1 और V2। फिर आप बोलोगे इनिशियल मासेस क्या थे, इनिशियल क्या मतलब मासेस क्या हैं ऑब्जेक्ट्स के, तो वो बताएगा M1 M2। जैसे ही वो बताएगा आप ये फॉर्मूला यूज़ करना एंड यू कैन पुट दैट एंड गेट द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड वेलोसिटी, जो कि बहुत सिंपल है। आई होप यू गाइस आर फाइन। नाउ लेट्स जंप टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन something that we have already did, जो हमने already कर लिया है। While we were calculating the final velocities in perfectly elastic collision case, तो हमने एक चीज लिखी थी velocity of approach is equal to velocity of separation। अच्छा velocity of approach कब होता है, before collision and after collision, okay, cool। अच्छा क्या होंगी, तो फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, let's say it is V1, it's V2 and it's E1 dash, it's V2 dash। So इन दोनों के बीच का separation क्या होगा, separation means किस velocity से ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दैट विल बी V2 डैश माइनस E1 डैश। मैंने ऐसा कुछ किया था, आई होप यू गाइस रिमेंबर, नहीं है तो भाई यूट्यूब है, पीछे जाके देख लो, है ना, किस वेलोसिटी से ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, सिंस V1 इज ग्रेटर देन V2 इन दिस केस एंड V2 डैश इज ग्रेटर देन V1 डैश इन दिस केस, इसीलिए बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, राइट। सो V1 माइनस V2, this has something to do with coefficient of restitution। kya karna hai iska coefficient of restitution se, bahut simple, e which is called as which is nothing but coefficient of restitution, e is velocity of separation divided by velocity of, ab before collision after collision liye likhne ki zarurat nahi hai, I think velocity of collision, very good, velocity of approach, ठीक है, which is V2 dash minus V1 dash by V1 minus V2, ये लिख दिया है, मेरा काम खत्म हो गया है। बट यहाँ पे बहुत बच्चे होंगे कि सर ये क्या, मतलब क्यों बताया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, तो भाई E का सिग्निफिकेंस बस इतना है बेटा कि इन रियल लाइफ नो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो ये सत्य है कि पढ़ा तो हमने बहुत सारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, बहुत सारी इतनी देर से पढ़ी रहे हैं वो, बट रियल लाइफ में कोई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होते, ऑल ऑफ देम आर आइदर इन इलास्टिक, और यू कैन से ऑल ऑफ देम आर इन इलास्टिक, देर इज नथिंग सच एज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक केस, परफेक्टली इन इलास्टिक केस पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑल द केसेस आर इन इलास्टिक केसेस, और इन इलास्टिसिटी कितनी है, कितना इन इलास्टिक है, मींस कितना यू कैन से उनके शेप्स जो हैं, बॉडीज के शेप्स जो हैं, लेट्स से वो कम्प्लीटली रिगेन कर लेते हैं, तो ई विल बी इक्वल टू 1, वो बिल्कुल रिगेन नहीं कर पाते हैं, मीन्स मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद दे जस्ट गो एज इट इज, तो E will be equal to 0, okay? तो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए coefficient of restitution को डिफाइन किया गया था। अब अगर
आप थोड़ा ध्यान दो, दीज टू हैव सम काइंड ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन बस इतना है कि अगर मैं E इक्वल्स टू 1 लिख दूं, देन वी विल गेट द सेम इक्वेशन एज हियर, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज 1। इसी इक्वेशन में E को अगर मैं 0 लिख दूं, लिख के देखो आप, है ना, मेरे ही मत देखो, यहाँ पे लिख के देखो, बोर्ड थोड़ा भर गया है बट स्टिल यू गाइज मैनेज, ओके। E को 0 लिखोगे तो यू विल गेट v2- v1- इज इक्वल्स टू 0, विच विल गेट v1-। ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी। सो देयर दीज आर द टू एक्सट्रीम्स, कि वो कम्प्लीटली रिगेन कर लेंगे, वो बिल्कुल रिगेन नहीं करेंगे, बट बोथ ऑफ दीज आर कम्प्लीटली hypothetical. So all the cases in between these two need this value of E. इसलिए E को define किया गया है. So E can be in between 0 to 1. It can be any value in between 0 to 1. If it is closer to 1, the bodies are elastic, not perfectly, but elastic bodies. If it is close to 0, the bodies are inelastic. Or you can say close to perfectly inelastic. Okay, so that's it. This is the case for मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से लिख दूं ताकि आप लोग रिमेंबर कर पाओ या नोट्स पे लिख पाओ। तो दिस वन इज द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब मैंने E इक्वल्स टू 0 कहाँ लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा फैंसी टर्म्स में लिख दें, इजी 10 लिख दिया भाई साहब, इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। एंड E इन बिटवीन 0 टू 1 इज द केस फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को आई होप एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया है, काम की बात, अगर एंजॉय किया है और आपको ये प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये आप अगर देखो तो ऐसा एनिमेशन आई थिंक नोबडी इज यूजिंग इट, राइट, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मेरा बहुत टाइम इसमें जाता है। सो टू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आई थिंक यू गॉट इट। मैंने जब प्लीज़ सब्सक्राइब बोला उससे पहले ही आप समझ गए होंगे कि सर कह रहे क्या वाले, राइट, आई होप। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भूलना नहीं। मैं एक बार बहुत ही क्विक रिकैप दे देता हूँ। पहले हमने कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन डिस्कस किया, जो भी कैलकुलेशंस थी सारी डिस्कस की, मींस फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स क्या होंगी, उसका डेरिवेशन किया है, दो इक्वेशंस हमारे पास थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड देन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों को मैनिपुलेट करके किसी तरह एडजस्ट करके v1- and v2- निकाल लिया, हमें आ गया। फिर उसके बाद हमने स्पेशल केसेस देखे। स्पेशल केस में क्या देखा, व्हेन आइदर ऑफ द ब्लॉक इज मैसिव, पहले हमने देखा कि फर्स्ट ब्लॉक इज मैसिव, उसका हमने इन्फ्रेंस निकाला, उसका हमने रिजल्ट निकाला, फिर हमने देखा द सेकेंड वन इज मैसिव, फिर उसके बाद हमने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन देखा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक अननोन वेरिएबल था, दैट इज द कॉमन वेलोसिटी, और हमारे पास एक इक्वेशन है ही मोमेंटम की, तो मोमेंटम की इक्वेशन लिखी, वी निकाल दिया और हमारा काम खत्म। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की क्या जरूरत पड़ गई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज फॉर द केसेस व्हिच आर नाइदर परफेक्टली इलास्टिक और नाइदर परफेक्टली इन इलास्टिक, एंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने थ्योरी पढ़ ली है, परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब टेस्ट तो करना पड़ेगा ना कि कितना आया कितना नहीं आया। सो वी विल डू सम क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, हैव फन, कीप लर्निंग।